तो हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बीटीसी अपने एक मेजर रेसिस्टेंस में ट्रेड हो रही है, और अगर हम इसके रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये बनता है $69,000 से लेकर $67,000 तक में। अभी तक बिटकॉइन जिस तरह से ट्रेड हो रही है, काफी ज्यादा चांस है कि बिटकॉइन यहाँ से $67,000 to $69,000 को यहाँ पर ट्रेक कर सकती है, यहाँ पर रिट्रेस कर सकती है। लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर बाइंग के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या मुझे यहाँ पर बाइंग करना चाहिए। तो आई थिंक कि अभी बिटकॉइन में आपकी कोई भी एंट्री नहीं बनती है। ये वही टाइम है जहाँ पे लोगों को वेट करना चाहिए, जहाँ पे आपको वेट करना चाहिए और समझना चाहिए कि बिटकॉइन इस फरवरी के मंथ में कोई भी अच्छा रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला है कि जहाँ से मार्केट एक बार टच करती है उसके बाद यहाँ पर डंप की हो, तो वैसा कोई रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में हो सकता है कि मार्च में आपको इस तरह का रिट्रेसमेंट देखने को मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि एक दो दिन के अंदर में ही बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $69,000 को यहाँ पे टच कर दे। तो मेरी अगर एंट्री बात करो कि मैं किस तरह से एंट्री यहाँ पर लूंगा, तो मैं फिलहाल वेट करूंगा $69,000 को टच करने को। अगर यहाँ पे बिटकॉइन टच करती है $69,000 को, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल वेट करूंगा। अभी मैं कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं लूंगा। अगर $69,000 के ऊपर कोई कैंडल बनना शुरू होता है तो फिर मैं ट्रेड लूंगा, और एक स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड लूंगा, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करूंगा। अब सवाल होता है कि बिटकॉइन में एंट्री कब लेनी चाहिए, तो बिटकॉइन में अभी फिलहाल आपको वेट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, $69,000 के ऊपर कैंडल्स बनती है तो हम ट्रेड लेंगे, या फिर $69,000 को टच करती है तो वहां पर हम बिल्कुल वेट करेंगे। अभी से लेकर अभी हमें वेट करना है। याद रहे कि अगर अभी आप जल्दबाजी में एंट्री लेते हो तो फिर नुकसान होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो सकती है। बिटकॉइन का जो मेजर सपोर्ट है वो है $48,000 से $50,000 में। यहाँ पर बिटकॉइन अगर आती है, जो कि चांसेस होगा आने को मार्च में, हो सकता है कि $69,000 को टच करे, रिट्रेसमेंट फील करे और वहां से डंप आ सकती है। थोड़ी बहुत चांसेस यहाँ पर है। तो अगर 47 से लेकर $50,000 में आती है तो यहाँ पर मैं एक एंट्री लेने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से। या फिर अगर $47,000 से नीचे भी आता है $40,000 तक में, तो यहाँ तक बिल्कुल आपको एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि अब यहां से जो समय आने वाला है बिटकॉइन में, कई सारे लोग कह रहे हैं बिटकॉइन हाल्विंग में भी डाउन आ सकता है, बट मैं यहां पर बिलीव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल्स बन रही और जिस हिसाब से हिस्ट्री यहां पर रिपीट हो रही है, हाल्विंग के टाइम में कुछ बहुत बड़ा डंप हमें देखने को नहीं मिला है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंट्री लेने वाले हैं, लॉन्ग टर्म की थिंकिंग के हिसाब से, और 48 से 50,000 में बेझिझक हम यहाँ पर एक एंट्री जरूर लेंगे। फिलहाल बिटकॉइन में हमें कोई डाउन के सिग्नल नहीं देखने को मिल रहे हैं, कोई भी यहां पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि बिटकॉइन यहां पर डंप करेगा। तो चांसेस है कि बिटकॉइन यहां पर $69,000 को टच करे, बट हम यहां पर एंट्री नहीं लेने वाले। इस बीच कुछ ऐसे ऑल्टकॉइन हैं जिसमें हम यहां पर एंट्री लेंगे, जो कि आपको बिटमार्ट में मिल जाएगा। याद रहे बिटमार्ट में मैं ट्रेड कर रहा हूं, स्पॉट में बहुत सारे आपको कॉइन ऐसे मिल जाएंगे बिटमार्ट में जो कि अच्छी प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इन कॉइन को जो मैं आपको बताऊंगा उसमें से ज्यादातर आपको बिटमार्ट में मिल जाएंगे। मेक श्योर आपने बिटमार्ट में अकाउंट ओपन किया हो, ये डिस्क्रिप्शन पे होगा, और कुछ डिपॉजिट भी कर सकते हो। जो कॉइन मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें $10-$50 इन्वेस्ट कर सकते हो। हो सकता है आने वाले टाइम में ये कॉइन जो है, ये टोकन जो है, 3x से लेकर 5x और 10x 20x तक भी यहाँ पर पंप हो जाए। तो इन कॉइन के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। जैसा कि हमने बात किया कि बिटकॉइन अपने रेसिस्टेंस लेवल पे ट्रेड हो रही है, थोड़ा सा ट्रेड लेने से आपको बचना चाहिए, और जो भी आप ट्रेड लेते हो स्टॉप लॉस के साथ लो, क्योंकि अगर डंप आएगी तो अच्छी खासी डंप आ सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी वेट करना है। अगर $69,000 के ऊपर कैंडल बनती है तब हम एंट्री लेंगे, या फिर $69,000 या यहाँ तक जाने से, या फिर यहाँ से भी $63,000 से भी अगर यहाँ पर रिट्रेस लेती है तो हम अपना जो एंट्री होगा वो $48,000 से $50,000 के बीच में हम जरूर लेंगे। अभी हम बात करें बिटमार्ट के कुछ ऐसे कॉइन के बारे में जहां पर मुझे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो पहला आप ARB में आप सिलेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे जो VIP है मैंने उसमें कॉल ऑलरेडी दे दिया था $1.9 में। अभी थोड़े बहुत यहां पे पंप हो चुके हैं, लेकिन एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है वन डे के चार्ट में। तो आप यहां पर इसका जो टारगेट है वो $4 से $5 तक का टारगेट लेके चल सकते हो, मिनिमम टारगेट। तो यहां पर स्पॉट में कुछ इसकी बाइंग कर सकते हो, ARB को $20-$50-$100 का भी बाइंग कर सकते हो। आने वाले टाइम में ARB कॉइन अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पर देने के चांसेस होगा।
दूसरे कॉइन के बारे में बात करें तो ABM को सिलेक्ट कर सकते हो जो कि 21 के मूविंग एवरेज में ट्रेड हो रही है। यहां से अगर ब्रेकआउट होता है इस कॉइन का तो अच्छा खासा ये पंप हो सकती है, $10 से $12 तक का भी पंप हो सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें बाइंग कर सकते हो। AI का कॉइन है जो कि ट्रेंड में है, तो अच्छी खासी पंप होने की पॉसिबिलिटी इसमें होगी। दूसरा दोस्तों बात करें तो BRN USDT को आप देख सकते हो, ये भी एक AI कॉइन है। अभी इसकी प्राइस चल रही है $0.45 में। आप इसका टारगेट रख सकते हो, लगभग $3 से $4 तक का टारगेट रख सकते हो। वनडे में आप देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट बना रही है और सपोर्ट बनाने के बाद अच्छा खासा पंप हो सकता है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत आप इसको बाइंग कर सकते हो। सपोर्ट लेवल में ट्रेड हो रही है और अगर ये इसे ब्रेकआउट करती है लगभग यहाँ पर $0.75 से लेकर $8-9 को अगर ये ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ से एक बड़ा पंप आपको देखने को मिल सकता है, मे बी $2 से $3 तक ये यहाँ पर पंप कर सकता है। तीसरा दोस्तों कॉइन के बारे में बात करें तो बेक लोग यहां पर भूल चुके हैं। बेक एक ब्रेकआउट मूव में देखने को मिल रहा है, पिछले टाइम भी काफ़ी अच्छा इसने प्रॉफिट दिया था बेक ने। अभी ये $0.42 पे चल रहा है और यहां से ब्रेकआउट होती है ऑलमोस्ट मैं समझता हूं कि 0.45 से ये ब्रेकआउट होती है, तो लगभग से लगभग आप $2 से $3 तक का टारगेट आप रख सकते हो। इसका जो रेसिस्टेंस है वो $0.9 में है, तो अभी इसको थोड़ा बहुत बाय कर सकते हो। बेक अच्छा प्रोजेक्ट है, NFT प्रोजेक्ट है, तो आने वाले टाइम में अच्छी प्रॉफिट ये ज़रूर से ज़रूर देगी। चौथा दोस्तों प्रोजेक्ट UFO को आप ले सकते हो, ये भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है, ब्रेकआउट अच्छी खासी ब्रेकआउट हो रही है और यहाँ से ये ब्रेकआउट होती है तो लगभग से लगभग मैं समझता हूँ 5 गुना तक इजीली पंप करेगा। अब बिटकॉइन जैसा कि $62,000 में चल रही है तो $69,000 आते आते ही इसमें एक बड़ा पंप आपको देखने को मिल भी सकता है, तो ऐसे में आप थोड़ा बहुत इसको बाय करके रख सकते हो। लगभग मिड टर्म 6 से 7 महीने के अंदर में ये अच्छे प्रोजेक्ट, ये जितने भी प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर देने की पोटेंशियल लगती है, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी आप बाय कर सकते हो तो अच्छी प्रॉफिट ये आपको देगी। ये सारा कुछ आपको बिटमार्ट में मिल जाएगा, तो अकाउंट ओपन आप वहाँ पर कर सकते हो। पांचवा कॉइन आप एनालोस को आप यहां पर देख सकते हो, सोलाना बेस प्रोजेक्ट है, अच्छी प्रॉफिट देने की पोटेंशियल लगती है। अभी ये 25% यह पंप हो चुका है, थोड़ा बहुत चाहो तो बाय कर सकते हो, थोड़ा सा डंप आए तब आप इसको थोड़ा सा बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इसको होल्ड करते हो तो अच्छी प्रॉफिट दे सकती है, ऑल टाइम हाई इसका बहुत बड़ा है, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ईजिली ये 3 से 5x तक का ईजिली पंप आपको हो सकता है। अब इन्वेस्ट करने के तरीके के बारे में बात करें तो $100 सपोज करो आपके पास है तो $20-$20 करके पाँचों प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 6 से 7 महीने होल्डिंग में ही हो सकता है ये 5 से 10 गुना तक रिटर्न आपको दे सकता है। तो अभी टाइम है दोस्तों अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का, तो इन सब प्रोजेक्ट में आप थोड़ा बहुत डाल सकते हो। बाकी और भी कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अभी हम बात करें बिटमार्ट के बारे में, तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है KYC को लेकर, कई सारे लोग कहते हैं कि इसमें KYC करना पड़ेगा, तो KYC का जो लेवल है इसका बहुत छोटा सा है कि आप अपना नाम, ईमेल ID और एड्रेस, ये तीनों डाल के KYC 1 आप कंप्लीट कर सकते हो। तो कुछ भी नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, सिर्फ KYC करने के लिए अपना नाम, ईमेल एड्रेस, ये जो मैनुअल होता है वो आप डाल दोगे तो आपका KYC 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आप विड्रॉल, डिपॉजिट सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। साथ में बहुत सारे कॉइन हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो भी आप देख सकते हो, 3, 4, 5, 10 प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो, $10-$20 करके अगर आप लगा दोगे तो अभी मार्केट में जैसा ट्रेंड है तो अच्छी प्रॉफिट यहाँ पर दे सकती है, तो सेल्फ एनालाइज करके भी अच्छे प्रॉफिट बनाए जा सकते हैं, अच्छे कॉइन यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो बहुत सारे कॉइन हैं, ऑल पे आप क्लिक करोगे बहुत सारे कॉइन देखने को मिल जाएंगे, तो इनमें से किसी को भी अच्छे जो ब्रेकआउट हो रहे हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब के लिए गुड बाय, जय हिंद।